एबीपीएस न्यूज। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले एक बैठक का आयोजन बरेली जिले के ब्लॉक बहेड़ी के ब्लॉक सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश सचिव अजय प्रताप सिंह ने संगठन को मजबूत करने के लिए सभी प्रधानों को एकजुट होने का आह्वान किया और साथ ही प्रधानों के हितों के बारे में संगठन द्वारा किए जा रहे प्रयासों से प्रधानों को अवगत कराया। इसी क्रम में उन्होंने गांव में होने वाली समस्याओं के बारे में प्रधानों से बात की तथा उन्होंने बताया कि हमारे संगठन का उद्देश्य हमारा गांव हमारा स्वराज धरातल पर साबित करना है, जिससे गांव का विकास प्रधान द्वारा पूर्ण रूप से किया जा सके। उन्होंने बताया कि सन 1992 में कल्याण सिंह सरकार द्वारा प्रधानों को 29 अधिकार दिए गए थे। वर्तमान समय में सरकार ने सभी अधिकारों का हनन कर लिया है। प्रधानों के इन्हीं अधिकारों को पाने के लिए संगठन निरंतर कार्य कर रहा है। जल्द ही प्रधानों के इन अधिकारों को सरकार के सामने पेश किया जाएगा। इस मौके पर बहेड़ी ब्लॉक अध्यक्ष व ग्राम प्रधान मौजूद रहे। विधायक कहाँ? 403 विधायक पूरे उत्तर प्रदेश में। 403 हम 59,000 पूछे। बताओ इतने सारे लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं, 10 मिनट लगते लखनऊ बंद, 10 मिनट में लखनऊ बंद हो जाता, पकड़ भी नहीं सके। यहाँ तक कोशिश करी कि इसके खाई खोद दो, जो आदमी अंदर ना जाए, टेंट हाउस जो लगाया था वही सरकार किसी पार्टी की हो जाए, प्रधान की नहीं हो सकती। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि हमारी आस्था राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते किसी न किसी पार्टी में